सुनो बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा है? सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। सर, मेरे माँ बाप पुराने। ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मंत्री जी एक महिला पर ऐसे झल्ला रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों आया कि महिला को लगे सबके सामने डांटने। तो चलिए हम बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल ये मामला है बदायूं का, जहां मंत्री जी इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में श्रमिकों के हित लाभ और जन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद जब मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो एक महिला बार बार उनके पैर छूने की कोशिश कर रही थी। महिला मंत्री जी के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन बार बार पैर छूते देख मंत्री जी को गुस्सा आ गया और लगे सबके सामने फरियादी को डांटने। बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा है? सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। हालांकि उनकी इस हरकत को लेकर विपक्षी पार्टियों ने यूपी की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। एक मंत्री का किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है और सरकार को तुरंत मंत्री जी को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी, लगातार महिला सम्मान की बात करती है और इनके मंत्री मौर्य जी क्या कर रहे हैं वहाँ, किस तरह से एक सीनियर महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, ये अत्याचार इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि इनके मंत्री ही नहीं महिलाओं का सम्मान करते। तो बताइए फिर आम जनता कैसे महिला का सम्मान करेगी? मंत्री अगर इस तरह से व्यवहार करेगा महिलाओं के साथ में तो क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान बच पाएगा? मुझे लगता है ऐसे मंत्री को मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।